बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है कि जो इंतज़ार पंजोता साहब हैं वो 24 घंटे में बाजियाब हो जाएंगे। मतलब पहले तो हुकूमत कहती रही थी कि ये हमें नहीं पता कहाँ हैं। देखिए बात ये है कि मैं कुछ सख्त बात करूंगा तो कोई उनका फिर लायामल चेंज ना हो जाए। हाँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि फिर उनको उठा ले। इतना जरूर कहूंगा कि अटॉर्नी जनरल साहब ने कुछ दिन पहले जो है यकीन दहाई करवाई थी। उन्होंने कहा था कि दो तीन दिनों के अंदर जो है ना हम कोशिश करेंगे, ठीक है, यानी उधर बात करेंगे और बाजियाबी के लिए। फिर उन्होंने कहा कि जी अब मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दिया जाए। जुमे के लिए उन्होंने रखा था कि जनाब नहीं, लेकिन वो तो कह रहे थे सर, माजत कलामी, वो तो कोर्ट में कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं है वो कहाँ है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ। फिर उन्होंने कहा कि हम गुड न्यूज देंगे जुम्मे वाला दिन, यानी कि आज। आज उन्होंने डेफिनेटली हमारा रब्ता उनके साथ ऑफ द रिकॉर्ड भी मौजूद था, तो आज उन्होंने कहा जी हम 24 घंटों के अंदर अंदर इंतजार भाई जो है वो वापस घर पहुंच जाएंगे, ठीक है जी। तो हमने कहा जनाब अभी करवा दें। अदालत के अंदर भी जाकर उन्होंने यही आज अंडरटेकिंग दी है कि 24 घंटों के अंदर वो वापस आ जाएंगे, ठीक है? है तो वापस आ जाएंगे। उनकी स्टेटमेंट ये देना तो इससे आप तमाम लोग खुद ही उसका जवाब बखज कर लें कि मुल्क के अंदर क्या चल रहा है, क्या कानून है, क्या नहीं। अगर हम फिर अब भी एहतजाज ना करें तो ये कहा जाए कि देखिए आप क्यों एहतजाज करें, आप तो फसाद चाहते हैं, हमें इजाजत नहीं, नहीं तो आप कर रहे हैं एहतजाज। जी जी कर रहे हैं एहतजाज किया, अब नहीं करेंगे इंशाल्लाह ताला। जब तक जिस्म में जान है पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है, उनकी कॉल के ऊपर लबैक कहेगी। आप देखें कि इस जबर के माहौल में इतने ज्यादा जुल्म होने के बावजूद अब भी लोग निकलते हैं, बेशक वो जिस तादाद में निकलते हैं, 5,000 हो, 10,000 हो, 4,000 हो, 3,000 हो, जिस जगह पर भी निकले। आप मुझे बताएं ना कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ या मरियम को बगैर सरकारी वसायल इस्तेमाल करते हुए कोई एक जलसा इमरान खान साहब के जलसे के बराबर करके दिखाएं तो मैं मान जाऊंगा। इमरान खान तो हुकूमत में नहीं थे तब भी उन्होंने इतने जलसे बड़े किए जिसकी मिसाल नहीं, और हर रोज जलसा होता था। यही वजह है कि आज पॉलिटिकली ये हार चुके हैं। तो इनके पास सिर्फ नैरेटिव बचता है जी डील करेगा, एस्टेब्लिशमेंट के साथ जाएगा, इनके अंदर लड़ाई है जी, इनकी तो आपस में, इनके पास कोई और चीज नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।